ज्यादा है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से? हम 1,00,000 बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1,00,000 का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए, अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। प्रोटेस्ट में पहुंचे खान सर, क्या मांग आपको? हम लोग की एक ही मांग है, समझिए ध्यान से, कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करना चाहिए। 3 दिन तक बीपीएससी का सर्वर डाउन रहा, उस दौरान 80,000 विद्यार्थियों का फॉर्म नहीं भर सका। ये विद्यार्थी की कमी है कि या सर्वर की कमी है? कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि अपनी गलती एक्सेप्ट करें। और 2 महीना से आयोग गोल गोल बातें घुमा रहा है। टीचरों से जो मीटिंग किया गया था उस मीटिंग का वीडियो रिलीज कर दे कि वहां पर आयोग किस तरह से हम लोगों के ऊपर अपनी बात थोप रहा था। और आयोग ने उस समय बोला था कि हम लोग 15 नवंबर को विद्यार्थियों से मीटिंग करेंगे, बस वो ओरिजिनल वीडियो कर दे बाहर, रिलीज कर दे, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अफवाहों से नहीं काम चलेगा। हम लोग बस इतना चाहते हैं, 13 को परीक्षा है, बताइए ये विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हम लोग इसी मजबूरी में गर्दनी बागाए हैं। और आज माननीय बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, आज के दिन हम संविधान को पालन करते हुए पूरी तरह से अहिंसा और शांति के माध्यम से हम अपनी बात रखेंगे। और हमारे राज्य में हमारा मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो हम लोग की बात पूरी तरह सुनेंगे। केवल उन्हीं पे भरोसा ही है और वही सुन सकते हैं, बाकी आयोग पे कोई भरोसा नहीं। पुलिस तो लाठी भी चला रही है। देखिए पुलिस का काम अपना, हम लोग देखिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हम लोग को चाहे कुछ करे, उठा के हम लोग को लेके चल जाए, लेकिन इन बच्चों के भविष्य से ना खेले, इनका नॉर्मलाइजेशन बस रद्द कर दो यहाँ पे बस। अब तक आप लोग इस तरह से, हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि नॉर्मलाइजेशन रद्द नहीं हो जाता, तब तक के लिए नहीं हटेंगे यहाँ से। लेकिन ये कहा जा रहा है जो लीक होता है क्वेश्चन उसको रोकने के लिए इस तरह की पेपर लीक होता है तो किसकी गलती से? आयोग की कमी से? हम 1,00,000 बच्चों की परीक्षा लिए, पूछिए इनसे 1,00,000 का लिए कि नहीं लिए? कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए। यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए, अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए, अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग का नार्को टेस्ट पोलियोग्राफिक टेस्ट कराइए, अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम, शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे हम यहाँ पर। लेकिन आयोग समझे, एक ऐसा कैंपस बनाए जहाँ पे पेपर बने, जहाँ से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5,00,000 बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और 1 पेपर लीक नहीं होगा, और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार बीपीएससी ये कह रही है ना कि जो अभी तक इस तरह से कोई आधिकारिक नहीं कहा गया, ये झूठ बोल रही है। जब आधिकारिक नहीं कहा गया है तो आप बोल दीजिए ना कि हम नहीं नॉर्मलाइजेशन करेंगे, हम एक ही पेपर लेंगे, एक ही शिफ्ट में करेंगे, बोलने में क्या जा रहा है? झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं अब, और हम खाली हाथ अब विद्यार्थियों के हम अपने स्टेज पे पढ़ाने तभी चढ़ेंगे जब अपने बच्चों का आंसू पोंछ सके, इनको रोता हुआ हम नहीं छोड़ सकते। अभी आप यहीं बैठेंगे, हम यहीं रहेंगे ही और कहीं नहीं जाने वाले हैं। बताइए 80,000 बच्चों का फॉर्म केवल सर्वर डाउन होने की वजह से गया, इसके लिए दोषी तो आयोग है कि नहीं है? यहाँ पे आप कैसे किसी दूसरे पे ब्लेम कर सकते हैं? हाथ जोड़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बड़ा उम्मीद की नजर से आपको देखते हैं और हमेशा हमारी संकट में रहे हैं। आज से 2 दिन पहले का बात है जब आयोग कसम खा लिया था कि वो बिहार पुलिस में NCL लागू नहीं मानेगा, तो हमारे नीतीश कुमार आए और विद्यार्थियों का आंसू पोंछे, और 1,25,000 विद्यार्थी दुआ दे के गए हैं उन्हें। अगर 2024 में जो हमारी मान रखेगा, वादा करते हैं हम लोग 25 में उसकी मान रख लेंगे। देखिए यहाँ पर खान सर हैं जो कि पहुंचे हैं, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र हैं और भीड़ आप देख सकते हैं किस कदर है, चारों तरफ आप देखिए छात्र ही छात्र आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर बैनर्स लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। आप लोग क्या कहेंगे, क्या मांग है? बस नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, बस यही मांग है। नॉर्मलाइजेशन नहीं, इक्वलाइजेशन लेके आई है। हम लोग समानता का भाव रखते हैं और समानता चाहते हैं हमेशा से, हम लोग के साथ असमानता किया जाता है। टीचर भी आए हैं खान सर से लेकर सब। तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए बीपीएससी, जब बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो बीपीएससी में क्यों लगे? पर वन एग्जाम होना चाहिए, वन एग्जाम वन पेपर होना चाहिए, बस वैसे भी वन पेपर वन एग्जाम होना चाहिए। ये तमाम जो छात्राएं हैं छात्र हैं, बड़ी तादाद है, आप चारों तरफ एक बार कैमरा कहेंगे हम दिखाएं कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे
पहुंचे हैं, बीपीएससी के छात्र छात्राएं हैं और यहां पर इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं वो भी अब इन छात्रों के साथ यहां पर खड़े हो गए हैं। इन लोगों की जो मांग है उसके साथ अब शिक्षक भी है और साफ तौर से वो खान सर जो यहाँ के जाने माने जो शिक्षक हैं उन्होंने कहा है कि जब तक नॉर्मलाइजेशन वापस नहीं लिया जाएगा सरकार के तरफ से और बीपीएससी के तरफ से जो नोटिस है वो जारी नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है छात्रों का वो यहाँ पर आप देखिए पटना के गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर जुटे हैं और इनकी जो मांग है वो नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की मांग है। बड़ी तादाद है, हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं और वो अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। यहाँ देखिए खान सर जो जाने माने चेहरे हैं, शिक्षक हैं, अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। बड़ी संख्या में जो छात्र है उसको वो संबोधित कर रहे हैं और ये तस्वीर गर्दनी बाग की तस्वीर है जहाँ छात्र छात्राओं का ये हुजूम आप देख सकते हैं जो इस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ इकट्ठा हुए हैं। क्या मध्य प्रदेश का युवा ऐसा कुछ सोच सकता है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कर रहा है आप लोग के साथ 87-13% का जो फार्मूला है, आप लोग के भी 5 से 7 साल बर्बाद कर दिया आयोग ने, लेकिन आप लोग की तरफ आप लोग का खून ही नहीं खुलता, आप लोग अपने तरफ से कोई बात ही नहीं रखते। पता नहीं आप लोग को क्या ऐसी चीज़ है जो रोकती है।